आज हम लोग बेड मेकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बेड मेकिंग क्या होता है, तो इसको क्यों अप्लाई करते हैं। तो बेड मेकिंग क्या है कि ना कि एक पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के, जो कि एक बेड को रेडी रखना, अगर कोई भी न्यू पेशेंट आता है उसको एडमिट करने के लिए या उसका कोई एग्जामिनेशन करने के लिए या उस पर कोई ना प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बेड को रेडी करके रखते हैं। उसको हम बोलते हैं बेड मेकिंग। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेशेंट के लिए हम बेड को क्या करना, क्लीन रखना, साफ रखना, अच्छे से सेट फिक्स करके रखना, जिससे कि हम पेशेंट को अच्छे से उसको कंफर्टेबल वहाँ पे एडजस्ट कर सके या उसको एक पोजीशन प्रोवाइड कर सकें और एक उसको बेटर केयर प्रोवाइड कर सकें। उस कंडीशन में बेड मेकिंग की नीड होती है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया कि बेड मेकिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग द बेड क्लीन, नीट एंड टाइडी। मतलब कहीं ना कहीं क्या करना है इसमें, बेड को क्या करेंगे इसमें कि कीपिंग द प्रोसेस, इस पर एक प्रोसेस में क्या करेंगे कि बेड को क्लीन करना, साफ सुथरा और एक अच्छे से अरेंज करके रखना है। एंड आल्सो कीप रेडी फॉर द एडमिशन, आल्सो कीप रेडी, उसको हमें रेडी रखें क्यों, एडमिशन के लिए या पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रमोट कंफर्ट फॉर द पेशेंट। मतलब कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को एडमिट होने से पहले हम क्या करें, बेड को अच्छे से क्लीन एंड क्लियर रखेंगे, जिससे कि पेशेंट अच्छे से आगे वहाँ पर एडमिट कर सकें या उसका एग्जामिनेशन कर सकें या उसको ट्रांसफ़र कर सकें या उसका ट्रीटमेंट कर सकें या उसको एक बेटर एंड गुड कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकें। उसको हम क्या बोलते हैं, बेड मेकिंग। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बेड को क्या करना, अरेंज करके रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेड मेकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस कि बेड मेकिंग के क्या पर्पस है, हमें बेड मेकिंग की क्यों नीड है या क्या पर्पस है। तो देखते हैं, टू प्रमोट कम्फर्ट एंड सेफ्टी। मतलब क्या करने के लिए, प्रमोट क्या करने के लिए, कंफर्ट एंड सेफ्टी। अगर हम प्रॉपरली अच्छे से बेड मेकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कंफर्ट और सेफ्टी फील होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर अच्छे से बेड मेकिंग है तो वो कहीं ना कहीं क्लीन होगा या डिसइंफेक्टेड होगा, तो पेशेंट को एक सेफ्टी फील होगा, साथ ही साथ उसमें एक कम्फर्ट फील होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू प्रमोट क्लीनिनेस। अगर हम प्रॉपरली और अच्छे से बेड मेकिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं किसको, क्लीनिनेस को, मतलब अच्छे से क्लीन और क्लियर रख सकते हैं। नेक्स्ट है टू सेव टाइम, और हम टाइम को भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी अगर बेड को अच्छे से मेकिंग करके रखेंगे तो अगर कोई भी पेशेंट एडमिट होता है, एग्जामिनेशन के लिए आता है या ट्रीटमेंट के लिए आता है या किसी भी कंडीशन के लिए आता है, तो हम उसे ईजिली, हम कम टाइम में उसे अच्छे से परफेक्टली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास ऑलरेडी बेड रेडी है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंट प्रेशर सोर, प्रिवेंट प्रेशर सोर, प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट को अगर अच्छे से बेड मेकिंग करेंगे या उसको एक अच्छे से प्रॉपरली अरेंज बेड पर हम से लाएंगे, लिटाएंगे, सुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको प्रेशर सोर नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर एक प्रॉपरली अरेंज बेड होगा, नहीं होगा, अरेंज नहीं होगा बेड, तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर प्रेशर सोर, अल्सरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपरली अरेंज बेड पर अगर हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे तो हम उसके प्रेशर सोर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मोनिटर पेशेंट कंडीशन, और पेशेंट की कंडीशन को मोनिटर करने के लिए, मतलब एग्जामिनेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, एग्जामिनेशन या प्रॉपरली मोनिटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेड मेकिंग करते हैं, जिससे कि हम पेशेंट को अच्छे से असेस कर सकें, उसका एग्जामिनेशन कर सकें, प्रॉपर बेसिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, उसको एक अच्छे से कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं गुड बेड मेकिंग के हेल्प। तो आज हम लोग देखा कि क्या क्या पर्पज़ है, तो कहीं ना कहीं पर्पज़ क्या है कि उसको कम्फर्ट एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, एंड क्लीनिनेस को प्रमोट करने के लिए, नेक्स्ट सेव टाइम, टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपरली पहले से अरेंज होगा बेड तो हम ईजी कम टाइम में पेशेंट को अच्छे से शिफ्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट प्रेशर शोर, प्रेशर शोर को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन आपका मॉनिटर पेशेंट कंडीशन, कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विपमेंट कि हम अगर बेड मेकिंग करने जा रहे हैं या पेशेंट के लिए बेड रेडी कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें किन किन इक्विपमेंट की नीड होगी। तो सबसे पहले हमें बेड मेकिंग के टाइम में एक बेड की नीड होगी, क्या बेड, देन हमें क्या मैट्रेस, बेड को बिछाने के लिए भी गद्दा या फॉर्म से भी मैट्रेस की नीड होगी। नेक्स्ट हमें बॉटम सीट, जो मैट्रेस के जस्ट अपर, क्या लगाएंगे हम, बट क्या लगाएंगे, बॉटम सीट। नेक्स्ट आपका मैकिंटोश, मैकिंटोश, तो मैकिंटोश की नीड होगी, जो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो मैट्रेस है उसे हम मॉइस्चर होने से बचा सकते हैं, उसे ड्राई रख सकते हैं। देन हमें क्या पिलो, पिलो जिससे कि पेशेंट को एक गुड एंड कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ब्लैंकेट, नेक्स्ट हमें क्या नीड होगी, ब्लैंकेट। तो ये हमें कुछ इक्विपमेंट की नीड होगी, कौन कौन सा, बेड, मैट्रेस, बॉटम सीट, मैकिंटोश, पिलो एंड ब्लैंकेट। नेक्स्ट हम प्रोसीजर के बारे में देखेंगे कि बेड मेकिंग की प्रोसीजर हम किस तरह से कंप्लीट करें। तो फर्स्टली हम क्या करना है कि जो हमारे पास बॉटम सीट होती है, क्या होती है, बॉटम सीट, उसको क्या करना है, उसको कवर करना है किसके, मैट्रेस को
कवर करना है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्लेस दी बॉटम सीट ऑन दी मैट्रेस। तो जो बॉटम सीट को क्या कहाँ पर रखना है, मैट्रेस के पास रखना है। देन मैट्रेस सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मीटर दी कॉर्नर, कॉर्नर में क्या बनाएंगे, एक मीटर कॉर्नर फॉर्म करेंगे। देन कॉर्नर के बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी कॉर्नर किया उसे हम क्या करेंगे हैंडलिंग, मतलब उसको मैट्रेस जो भी है आपका मैट्रेस उसके बिलो में क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे। देन हम कहीं ना कहीं फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, प्लेस दी हैंड ऑन दी साइड ऑफ मैट्रेस। तो जो भी साइड में क्या करेंगे, हैंड को मैट्रेस के साइड में शिफ्ट करेंगे और क्या करेंगे, देन उसके बाद हम उसे अच्छे से कॉर्नर फिट करेंगे। देन हम क्या है फिफ्थ में क्या होगा, ट्रंक सीट अंडर दी मैट्रेस। और जो भी कॉर्नर हमने जो बनाया है फोर्थ में, उसको हम क्या करेंगे, उसके अंडर क्या करेंगे फिक्स कर देंगे, जिससे कि एक प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड कर सकें किसको, एक बेड सीट जो मॉडर्न सीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे, सेंटर दी टॉप सीट। और सेंटर में क्या रखेंगे हम, एक टॉप सीट या कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इसमें क्या रख सकें, सॉरी मैकिन टॉश को भी यूज़ कर सकते हैं। मैकिन टॉश क्यों करते हैं, जिससे कि हम जो भी मैट्रेस है उसको हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं मॉइस्चर उसे ड्राई रख सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर में एक टॉप सीट यूज़ करेंगे। टॉप सीट क्यों, कहीं ना कहीं पेशेंट को अच्छे से कवर करने के लिए या ब्लैंकेट का यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सेंटर में रखेंगे, सेंटर दी मैट्रेस। तो मैट्रेस को कहीं ना उसके सेंटर में शिफ्ट करेंगे। देन उसको क्या जो भी फोल्डिंग है उसको अच्छे से सेपरेटली क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देन ओपन करने के बाद कहीं ना कहीं जैसे साइड से उसको क्या करेंगे, ट्रंक कर देंगे अच्छे से, क्या करेंगे साइड से ट्रंक कर देंगे। देन क्या है, कंप्लीट दी मेकिंग ऑफ दी बेड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी है प्रोसेस है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट है तो इजीली यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बेड मेकिंग के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने बेड मेकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हम क्या करें बेड को बहुत अच्छे से प्रॉपरली क्लीन एंड क्लियरली रखते हैं, जिससे कि पेशेंट को अच्छे से वहाँ पे शिफ्ट कर सकें और उसका एग्जामिनेशन कर सकें और उसको एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमने उसके पर्पस के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने इक्विपमेंट, नेक्स्ट हमने उसके प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने 10 स्टेप्स फॉलो किए जिसके बेस पे हम क्या करते हैं प्रोसीजर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बेड मेकिंग के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के नोट्स एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।